प्ले पर हमने चर्चा की जैन इरिगेशन फर्टिलाइजर कंपनियों की, लेकिन एफएमसीजी कंपनियां जिनके लिए मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर रहता है उस पर भी एक नजर डाल लें। एचयूएल 3% ऊपर, नेस्ले की हम चर्चा कर रहे थे ये भी 3% ऊपर है, डाबर, ज्योति लैब्स, इमामी, पीएनजी, इन सब में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि आईटीसी अब करीब करीब 1% की बढ़त दिखा रहा है। ये अगर प्ले लेना है मॉनसून का प्ले एफएमसीजी के जरिए, किरण आप क्या चुनना पसंद करेंगे, क्या एचयूएल आईटीसी के साथ जाएंगे या फिर छोटी कंपनियों में ज्यादा ट्रैक्शन दिखेगा? एचयूएल बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है बहुत बड़े रिटर्न देने के लिए। हमने देखा है कि 2015 में जो टॉप लगाया था उसके बाद दूसरा जो टॉप लगाया था करीबन जुलाई 2016 का, अगर इसमें ट्रेंड लाइन खींचते तो उसके ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आया था, पर वॉल्यूम्स कम नजर आ रहे थे, पर इस वीक में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक आउट परफॉर्मर रहेगा, अच्छे 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है कि ये एक एक क्वार्टर के लिए अगर रखते हैं तो करीबन हम ये स्टॉक करीबन 1150 के लेवल्स की भी देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी।